इंटरेस्ट क्या लगेगा मान लो जो या आपकी चल पड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लामा गुलाम मुस्तफा नूरी साहब बात करें सर? जी अल्लामा साहब रावलपिंडी से ली अर्ज कर रहा जनाब रैली। मुबारक हो सर आपको पहले तो माशाल्लाह से चांद नजर आने की, हमारे लिए दुआ फरमाएं। और अल्लामा साहब आपसे एक सवाल पूछना है मैंने, बड़े संगीन इशू है और बड़े ये दाइश वगैरह और इस किस्म के जो इनकी धमकियां आई हैं इसके तनाजुर में एक बात है कि ये जो एक इस पे इंटरनेट पे एक बहुत ही ज्यादा मशहूर जमाना वेबसाइट है islamqa.com, मैंने कभी जी नेट वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, और दुनिया की मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा जो है ना यानी सबसे ज्यादा सवालात इस पर हुए हुए हैं। ये कोई अरब शेख है, शेख साले अल मुनजद, बाद मुनजद पढ़ते हैं बाद मुनजद पढ़ते हैं, तो इन्होंने इनसे एक सवाल हुआ है कि अगर मज़ारात पर इमारात तमीर करना जायज नहीं है, नहीं मज़ारात या गुंबद तमीर करना जायज नहीं है, तो फिर ये जवाब दें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक जो बना हुआ है इसकी फिर शरई हैसियत क्या है और आप सऊदी अरब के उलमा ने इसको कैसे गवारा किया हुआ है। तो उन्होंने इस पर बहुत सख्त किस्म का जवाब लिखा, बड़ा लंबा चौड़ा है वो मैं आपको पूरा नहीं बता सकता जुबानी, लेकिन उन्होंने ये बात की। पहले तो उन्होंने तकरीबन कोई 12-15 लाइनों में ना तारीख दी, उन्होंने कहा जी जो गुंबद तमीर हुआ है रोज़ा शरीफ पे उसकी कोई शरीय हैसियत इस तरह नहीं बनती कि वो 600-700 साल के बाद सूफी टाइप बादशाहों ने बनाया है जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये लुबे लबाब ये था। और आगे उन्होंने मजीद ये कहा, उन्होंने कहा जी बात यह कि शरीयत का हुक्म नहीं टाल सकता, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब साहब जो थे उन्होंने एक फितने के खौफ से और यानी क्या कहना चाहिए कि अवाम के एक रद्द अमल के खौफ से ऐसा नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये इसका जवाब नहीं बनता। और दलील ये देते हैं, उसके अलावा भी सलफी हज़रात ये दलील देते हैं, वो कहते हैं जी हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को हज़रत रसूल पाक सल्लम ने भेजा था कि जाओ जाकर हर ऊंची कबर को बराबर कर दो और हर मूर्ति का सर तोड़ दो। और फिर मैं देख रहा था कि इंटरनेट के ऊपर जो सलफी और रावजी हज़रात हैं ना इनके मनाजरे की वेबसाइटें हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वहाँ पर इनकी बहस चली है। तो जो सलफी हैं ना उन्होंने अहले तशय्यो की सहीहुल इस्नाद रवायात उनके मुहद्दिसीन के मुताबिक पेश किए हैं और उन्होंने कह दी कि ये जो जन्नतुल बकीम है जो जो ये अपना वाबी हज़रात और अहले हदीस हज़रात ने जो ये गराई है ना कबरें, तो ये आइमे अहले बैत की तो आंखें ठंडी कर दी उन्होंने। वो कैसे जी? उन्होंने कहा कि यही हदीस जो हमारे यहाँ अहले मुस्लिम शरीफ में मौजूद है यही आपके यहाँ अहले तशय्यो के यहाँ सहीहुल इस्नाद सनद के साथ मौजूद है। और उन्होंने कहा जी कि आइमे अहले बैत तो अहले सुन्नत के इमामों से ज़्यादा सख्त है, वो तो बिल्कुल गवारा ही नहीं करते थे कि चार उंगली से ऊपर कबर हो। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें क्या हकीकत है और क्या दिल इसके जवाब है? असल में ये मज़मून इतना मुख्तसर बयान करने वाला नहीं है, मैं एक दो बातें आपको बताता हूँ फिर जमात का टाइम होने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कब्रों को गिराने का हुक्म फरमाया था वो कब्रें कुफार और मुशरिकीन अहले इस्लाम की कब्रें इसलिए नहीं थी जी, अहले इस्लाम की कब्र जो बनती थी वो तो खुद आका अलैहि सलाम के सामने बनती थी, ठीक है, आका अलैहि सलाम खुद दफन में जनाजे में तशरीफ़ फरमा होते थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन गलत किस्म की कब्र कैसे बना सकते। अच्छा, और सही बुखारी शरीफ में भी जो कब्रें उखाड़ने वाली हदीस है उसमें भी यही है कि वो कुफार की कब्रें। नहीं, ये सही बुखारी में मौजूद है? जी मौजूद है। ये तो कहते हैं कि बाद में एक साबी जो थे वो फोत हुए, गलबन उनका पता नहीं अब क्या नाम भी बताते हैं कोई, कहते हैं जी उनकी कब्र भी ऐसी ही बनाई गई कि बिल्कुल जमीन के साथ लगी बनाई गई। नहीं, बात ये है कि जमीन के साथ कब्र बनाना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है, जायज है, इसकी हैसियत क्या है, हम ये नहीं कह रहे। अच्छा, बात ये है कि कब्र के ऊपर कुब्बा बनाना इसकी क्या हैसियत है। जी बिल्कुल, तो कब्र पर कुब्बा बनाना जो है ये तो सहाबा-ए-किराम से साबित है बाकायदा,
अच्छा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनु ने मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में सही सनद रवायत है। अच्छा हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अनु ने उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब रदी अल्लाह ताला अनहा की कब्र पर आपने कुबा बनवाया। अच्छा और अखबारुल मदीना किताब है इब्ने अबी शैबा की। अच्छा जी एक है ना इब्ने अबी शैबा, वो नहीं इब्ने शैबा, इब्ने शबा। अच्छा हाँ मुअर्रिख है और मुहद्दिस है, उन्होंने लिखी अखबार मदीना जी सर। वो उसमें पूरी सनद के साथ बयान करते हैं कि हजरत अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने एक अपने घर में कुआं खुदवाया तो वहां से कब्र निकली। अच्छा और उस पर लिखा हुआ था उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, पत्थर था, पत्थर पर लिखा हुआ था। अच्छा तो हजरत अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो बंद करके उसके ऊपर कब्र बना दी और ऊपर एक कमरा तमीर करवा दिया। अच्छा जी तो इस तरह की कसीर रिवायात मौजूद है, तो ये बिल्कुल नहीं, ये जो आपने शायद फरमाया कि ये जो लिखा था कि ये कुफार की थी, इसका अगर कर लिया आप वाला मजीद कोई वजह कर देना, क्योंकि ये तो इनकी मेन दलील ही है ना। अच्छा मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, मुसनद इमाम अहमद में हदीस है। एक सियाबी फरमाते हैं जी सर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक कब्र के साथ तकिया लगाए हुए देखा। अच्छा और हुजूर ने फरमाया कि कब्र वाले को तकलीफ ना दे और कब्र वाला तुझे तकलीफ ना दे। ठीक है समझे बताएं, अगर कब्रें जमीन के बराबर हैं तो फिर वो सियाबी तासना तकिया किसके साथ लगाकर बैठे। ये इसकी सनद भी ठीक है क्योंकि ये लोग रजाल का बड़ा मसला करते हैं। मुसनद इमाम अहमद की हदीस है, बिल्कुल सही सनद हदीस है। ठीक है फिर तो मसला कोई नहीं। और खुद हुजूर सैयदे दो आलम अलैहि सलाम ने फरमाया कि कब्र के साथ भी तकिया ना लगा। अच्छा और कब्र वाले को तकलीफ ना दे और ना कब्र वाला तुझे तकलीफ दे। तो अगर कब्र जमीन के बराबर थी तो वो तकिया किसके साथ लगा के बैठे थे। बिल्कुल ठीक है। और फिर ये कहना कि बिल्कुल जमीन के बराबर होनी चाहिए, ये तो बेशुमार अहदीस के खिलाफ है जो ये अहदीस पेश करते हैं। जी एक बलिश्त कब्र ऊंची होनी चाहिए और जिनमें गिराने का जिक्र है उनमें जमीन के बराबर करने का जिक्र है। ठीक है फिर मतलब ये इन दो दोनों के अंदर ही तार्ज बन जाता है। जी इन दोनों आदिश में तार्ज बनेगा फिर। नहीं ये जो आपने फरमाया कि ये जो थी अपना मुशरिकीन वाली थी, ये इसके इसका को वाला मजीद बता देना क्लियर कर। बता तो रहा हूँ भी सही बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि वो कब्रें मुशरिकीन की कब्रें थी। बुखारी शरीफ में जी बता तो रहा हूँ, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्ला ने फतुल बारी में शरा में भी इसकी वजाहत फरमाई है कि वो पार और मुशरिकीन की कब्रें थी। नहीं जो बुखारी की जो हदीस है उसमें ये मुशरिकीन का जिक्र है। तो यार है, कह तो रहा हूँ भी है। नहीं फिर ये जो सलफी लोग हैं ये तो इस पे बड़ा शोर करते हैं फिर। भाई मैं उनका जिम्मेदार तो नहीं हूँ। और जिस वक्त ये जो सऊदी अरब में जब गिराई गई तो उस पे फिर शोर उस वक्त क्यों नहीं किया, लोगों ने एहतजाज नहीं किया उस वक्त। खड़े हुए थे एहतजाज उस वक्त। ये जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के फजल व करम से महफूज है और महफूज रहेगा, ये तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद करना चाहते थे उस वक्त। अच्छा तो उस वक्त फिर आलम इस्लाम सरापा एहतजाज बना, तो उसके बाद फिर इन्होंने ये इरादा तय किया। नहीं तो इनको अगर बुखारी में ये अल्फाज क्लियर मौजूद है तो इनको उलमा बता नहीं सकते थे। यारा भी ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है क्योंकि ये लोग तो कहते हैं हम तो बुखारी को छोड़ते ही नहीं। यार मेरी मैं जो बात कह रहा हूँ आपको क्यों नहीं समझ आ रही, आप मुझसे हवाला मांग रहे हैं तो मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आप कोई अमल नहीं करता तो उसमें मेरा क्या कसूर है। सही बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी उनका विसाल हुआ
तो उनकी जौजा मोहतरमा जो है लिबैत से ताल्लुक रखती थी, तो ठीक है। 1 साल तक उन्होंने उसके ऊपर कुबा बनाए रखा। 1 साल के बाद उन्होंने उठा दिया। तो अच्छा, इस जो मौजूद पे साल अलामा साहब कोई अगर अच्छी किताब भी हो तो बता दे कोई एक आध। 1 साल जो उन्होंने कब्र पर कुबा उठाए रखा, तो उस 1 साल का बारे में, माईशाबा के बारे में क्या हुक्म है? जी बिल्कुल। ये भी सही बुखारी में रिवायत हो, कहते कि बाद में उठा दिया था। चलो उठा दिया था, हम भी कहते हैं ये बनाना फर्ज नहीं है या वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई बनाए तो उसका हुक्म क्या ठीक है। नहीं, ये तो मैं है? तो इनसे ये पूछूंगा, ये चीज़ लाजमी पूछूंगा कि भी आपके पास अच्छा, क्या है इसकी दलील, तो अगर बताएं ना आप। जो ऊपर कुब्बा है उसका तो कब्र के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। कब्र एक अलग चीज है, चार दीवारी एक अलग चीज है, और अगर कब्र के इर्द गिर्द चार दीवारी बनाना मन है तो ठीक है। फिर किसी भी कब्रस्तान के इर्द गिर्द चार दीवारी बनाना कब्रों की हिफाजत के लिए ये बना होगा। अच्छा, दूसरा ये और जो कोई कब्र के ऊपर जो चढ़ा लेते हैं काफी ऊंचा करके, उसका भी जवाब है कि नहीं? पहले एक तो मसला आप सुन लेना पहले। ठीक है, फरमाएं आप। तो दुनिया में, पाकिस्तान में, आलमे इस्लाम में जहां भी कब्रिस्तान है, तो शायद ही कोई कब्रिस्तान होगा जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी ना हो। नहीं यार, एक केस गिद होती है, ठीक है, तो बिल्कुल है। ये जो चार दीवारी है कब्रों की हिफाजत के लिए, फिर ये चार दीवारी किस हदीस के तहत जायज हो? फिर तो नहीं बनती आपके, अगर वो जो जैसे आप फरमा रहे हो उसका तो नहीं बनती जाए। अगर एक कब्र के आसपास चार दीवारी करना मना है, 8-10 कब्रें हों तो उसके इर्द गिर्द चार दीवारी करना वो जायज है? नहीं होगा फिर तो ये फिर कौन सी हदीस है ऐसी? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं। अरे भाई, बात समझनी चाहिए, बात समझने वाली है कि असल बात क्या है। बात वही है जो हाफिज इब्ने हजर असकलानी ने फतुल बारी में फरमाई है कि अच्छा वो जी, कब्रें मुशरकीन की थी, और खुद सही बुखारी शरीफ में भी मौजूद है तो मुशरकीन की कब्रों को उखाड़ा गया अच्छा तो बुखारी शरीफ में। आप देखे ना, जहां पर मस्जिद नबवी शरीफ बनने का जिक्र है ना, तो जी, वहां पर आपको ये अल्फाज नजर आएंगे कि मुशरकीन की कब्रें उखाड़ी अच्छा। जी। और दूसरा ये जो आपसे जो अब सवाल पूछा था, ये मैं, जो कब्र के ऐन अब ऊपर बिल्डिंग बना देना या उसको ऊंचा कर देना, इसका भी शरीय जवाब है? हाँ बिल्कुल, कब्र के ऊपर तो बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। नहीं, ये तो उसकी क्या ममानियत है? कब्र के ऊपर, क्योंकि मुबानत है ना हदीस में, ये जो कुब्बे हैं ये कब्र के ऊपर नहीं है, नहीं, कब्र के इनका कब्र के कब्र को साथ ऊंचा नहीं कोई कर सकते आप? ताल्लुक यार, ये बात का मसला है। बस इतने काफी, जितना बना दिया। अब जमात का टाइम है, नमाज के लिए जाना है मैंने, और इस पर अगर कोई किताब बता दें आप, पर उलमा ने काफी किताबें लिखी हैं। कोई एक मुसनद सी बता दें कोई किताब। अब इस वक्त मेरे जेन में नहीं है कोई, मार्केट से पता कर ले, इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी किताबें मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, जजाक अल्लाह।